ये चार्ज करना हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। सो अपने पास ये फोर्थ लेक्चर होने वाला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग को ऑडियो वीडियो क्लियर, कोई भी दिक्कत जल्दी से कमेंट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से लाइव आ जाओ, यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं सेशन हम लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी, रिप्लाई करो फटाफट।
ठीक, तो कल की डेट में मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था, आपको याद है वो क्वेश्चन? कल की डेट में मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क पे दिया हुआ था, वो क्वेश्चन आप लोग को याद है? ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है उसका बताओ तो जरा, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? चार ऑप्शन ही मैंने दिए हुए थे, ए बी सी डी, चार ऑप्शन थे उसमें। तो आप लोगों ने सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ वही आप लोग बताओ। अगर सॉल्व हुआ है तो आंसर, अगर ये क्वेश्चन सबसे बन गया देन मैं क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, अपन आगे बढ़ जाएंगे फिर। ठीक है, चलो रिप्लाई करूं। ठीक, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, चलो डिस्कस किया जाए इस क्वेश्चन को। तो मेरे पास एक इवन है यहाँ पे और ये है 1 1 1 1 1 0 1 0। ठीक, उसके बाद बी भी गिवन है आपको 0 0 0 0 1 0 1 0। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कि दो नंबर है ए और बी, और दोनों के दो नंबर जो लिखे हुए हैं, ठीक है, दोनों के दोनों नंबर जो अपने पास लिखे हुए हैं वो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन पे लिखे हुए हैं, सभी आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में अपने को आंसर निकालना है, और ये भी जो गिवन है आपको ये टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में गिवन है। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। ओके, अब यहाँ पे बात आती है सर कि ए और बी को अपने को यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है, और प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा, जो अपने पास ए इंटू बी हम जो करेंगे, ये जो प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं, इसका अपने को आंसर भी टूस कॉम्प्लीमेंट पे निकालना पड़ेगा। ठीक, लेकिन आपको तो ये पता है कि हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लीकेशन, ये सब कुछ हम लोग ओरिजिनल नंबर के साथ करते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म से अपने कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में कि इसे टूस कॉम्प्लीमेंट से वापस ओरिजिनल नंबर में लेके आओगे। ठीक है, तो आपको तो सबको पता ही है कि जैसा आपको दिख रहा है कि अगर इसका मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप इसके फर्स्ट बिट को देखोगे, जैसा आपको दिख रहा है कि सर इसका जो फर्स्ट बिट है ए का वो है 1 और बी का है 0, मतलब ये जो बी है एक पॉजिटिव नंबर को शो कर रहा है और ये जो ए है वो एक नेगेटिव नंबर को शो कर रहा है, ऐसा आप हमेशा चेक करते हो, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि सर आपको तो पता ही है कि पॉजिटिव नंबर का एसएमआर लिखो आप, वंस कॉम्प्लीमेंट लिखो या टूस कॉम्प्लीमेंट लिखो, ये सब का रिप्रेजेंटेशन एक ही होता है। ठीक है, और ए एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का हम लोग यहाँ पे चलो वापस से टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, टूस कॉम्प्लीमेंट, ये टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, ऑफ व्हाट, ऑफ ए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मुझे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तो वंस कॉम्प्लीमेंट ये साइन बिट एज इट इज, बाकी 0 0 0 0 1 0 1, फिर आप इसका निकालेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया सर 1 + 1 आपने ऐड किया, सो यहां पे आ गया 1, ये 0 1 0 0 0 0। तो आप देख सकते हैं सर ये कौन सा नंबर हुआ, तो ये अपने पास ये नेगेटिव साइन हो गया, और 1 1 0, सर 1 1 0 का मतलब -6, मतलब कि आपको ए की वैल्यू मिल चुकी है सर, कितना है -6। ओके, और बी जो गिवन है आपको टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, इसका मतलब कि इसका जो टूस कॉम्प्लीमेंट होगा वही इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा और वही इसका एसएमआर भी होगा। इसका मतलब अगर बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आप बी में क्या लिखेंगे सर, प्लस विद पॉजिटिव साइन और 1 0 1 0, इसका मतलब होता है सर 10। तो ए और बी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, तो इसको अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ए इंटू बी डेसिमल में आ चुके हैं, तो ये हो गया -6 × 10, दैट मीन्स -60 ये आ चुका है मेरे पास, कितना -60। अभी जो -60 अपने पास लिखा हुआ है ये किसको शो कर रहा है, ये सर ये शो कर रहा है इसके ओरिजिनल नंबर को, किसके, इस प्रोडक्ट के ओरिजिनल नंबर को। ठीक, अगर मुझे इसका एसएमआर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं नेगेटिव साइन बोलने वाला हूँ, नेगेटिव साइन है तो
तो नेगेटिव साइन के लिए आप क्या करते हो, आप वन लगाते हो, ठीक। तो इस डेसिमल नंबर सिस्टम को एसएमआर में लिखना है, मतलब आप उसको बाइनरी में चेंज कर दो। तो देखो बाइनरी में मैं चेंज कर रहा हूँ, 60 को चेंज करेंगे, ये 2 से रिमाइंडर 0, 30 टाइम्स, फिर 2 से 15 टाइम्स रिमाइंडर 0, फिर 2 से अपने पास ये हो गया 7 टाइम्स रिमाइंडर 1, फिर 2 से 3 टाइम्स रिमाइंडर 1, फिर 2 से 1 टाइम रिमाइंडर 1, दैट मींस ये अपने पास हो गया सर 1111 4 टाइम्स 1 0 0, ठीक है। अभी आप देखो इस पूरे क्वेश्चन में जो रिप्रेजेंटेशन है वो पूरे के पूरे 8 बिट्स में लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे आप, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास आया है 60 है ना, 60 को आपने एक्चुअल में क्या लिखा है, आपने लिखा 1111 00, कितने बिट में लिखा है सर, ये 6 बिट में लिखा है, और यहाँ पे आपको एक और 7 बिट लगाना पड़ेगा सामने जीरो, क्योंकि जब आप एसएमआर को बिट्स बढ़ाते हो तो सामने आप जीरो बढ़ाते हो, है ना। और इस नेगेटिव साइन के लिए आपने लिखा 1, तो ये टोटल कितने हो गए, 8 बिट्स के हो गए, ओके। अब ये 8 बिट्स की यहाँ पे बात हो रही है, इसको हम लोग को 2's कॉम्प्लीमेंट में लाना है, तो सबसे पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट होगा, ये 1 एज इट इज, और आप देखेंगे नेगेटिव नंबर मुझे मिल रहा है, दोनों का प्रोडक्ट है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव नंबर ही होगा, ठीक। तो ये हो गया 1000011 और उसमें ऐड किए 1 अपन, तो ये बन जाएगा इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस यहाँ 1 ऐड किया, 1 प्लस 1 0, फिर 1 प्लस 1 0, ये कैरी 1, 1 0 0 0 1, और ये तो अपने पास 1 एज इट इज, ये ठीक। तो ये अपने पास आंसर होगा, आप चेक कर सकते हैं अपने कॉपी में, चला ले मैं इंटरनल, ठीक। 1100100 जूम पर ऑप्शन ए, यही आ रहा है, मीटिंग कोड से कोई भी डाउट से आपके पूछ सकते हैं, चला था इंटरनेट गूगल क्रोम खोलता, क्रोम हो समझ में आ गया, रिप्लाई करो, चलो समेक जैन ने पूछा हुआ है, देखो जब भी बाइनरी की बात होती है साइन बाइनरी नंबर की, है ना, तो क्वेश्चन जो है वो चाहे वो एसएमआर में लिखा हो, ये देख लो, या 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखा हो, या 1's कॉम्प्लीमेंट में लिखा हो, ऑलवेज फर्स्ट बिट डिसाइड करेगा कि वहां पे साइन क्या लगा हुआ है, चाहे वो एसएमआर हो, चाहे वो 1's कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे वो 2's कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है। फर्स्ट बिट एमएसबी बिट ऑलवेज डिसाइड करेगा किसको, साइन बिट को, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इफ पॉजिटिव देन इट विल ऑलवेज बी जीरो, इफ नेगेटिव देन इट विल ऑलवेज बी वन, समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आप लोग, समझ में आपको, रिप्लाई करो, चलो ये हो गया। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, और मैंने आपको बताया था एक रेंज, कल जो हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था, एक टेबल बनाया था जिसमें 1's कॉम्प्लीमेंट की बात की थी, और 1's कॉम्प्लीमेंट से मतलब कि साइन बाइनरी नंबर्स की हम लोग बात कर रहे थे, और उससे जो अपने पास डेसिमल का रेंज निकल के आ रहा था उसका रेंज था -2n-1 -1 to +2n-1 -1, ये सभी आपके कॉपी में लिखा होगा, ठीक है। अब इसी का डिस्कशन जो 1's कॉम्प्लीमेंट हम लोग किए थे, सेम डिस्कशन में यहाँ पे आगे लेके जाऊंगा 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए, ओके। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा, सेम टेबल यहाँ पे बनेगा अभी फिर से बाइनरी के लिए, ठीक, 1's कॉम्प्लीमेंट की बात हो गई, 2's में लेके आते हैं इसको, तो
तो बाइनरी मैंने लिखा यहाँ पे, मैं 3 बिट की बात कर रहा हूँ अगेन, कल भी मैंने 3 बिट की बात की थी, 000001 010 011 101 100 101 और 110 111। तो ये हो गया अपने पास बाइनरी, और इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा इस बाइनरी का, तो ये होगा 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको, इस बाइनरी नंबर को मैं साइन बाइनरी नंबर में देख रहा हूं, साइन बाइनरी नंबर, जिसमें मैं बात करने वाला हूं वंस कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि मुझे अगर टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो मुझे इसका सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप लोग मेरे साथ में नोट करते चलना। अब मैं यहां पे लिखने वाला हूं इसी साइन बाइनरी नंबर का, साइन बाइनरी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों के अलग अलग टेबल बना दिए, ये टेबल हम लोग कल तक पढ़ चुके थे, ये वाले फॉर्म का, अभी टूस निकालने वाले। उसके बाद इसका मैं लिखूंगा डेसिमल इक्विवेलेंट, किसके लिए, साइन बाइनरी नंबर ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए। ओके, देखो तो ये हो गया पॉजिटिव नंबर, आपको पता कहां चलता है, ये फर्स्ट बिट से, ये पॉजिटिव नंबर है सबके सब और ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर का तो आपको पता ही कि वंस कॉम्प्लीमेंट हो, टूस कॉम्प्लीमेंट हो या उसका एसएमआर हो, वो सभी इक्वल होते रिप्रेजेंटेशन में। तो ये हो जाएगा 000 और यहां पे भी 000। ठीक, उसके बाद यहां पे सर 001, फिर ये 001, फिर 010 010 011 011। यहां तक ठीक है, एसएमआर, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट सब एक ही हो गया। अब नेगेटिव नंबर की बात होगी तो ये हो जाएगा अपने पास 111, एज इट इज उतार दिए, तो ये हो गया 11 और ये 01 का सर 10, फिर ये 01 और ये 00। ठीक, याद आया आपको ये सब चीज। अब बारी आती है सर टूस कॉम्प्लीमेंट का, तो प्लस वन अपने को ऐड करना है वंस कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पे अगर आपने चलो प्लस वन ऐड किया, ठीक अभी इसको छोड़ दो, मैं यहां पे बोल रहा हूं प्लस वन आपने ऐड किया तो ये हो जाएगा 1 एज इट इज और ये हो गया 01। यहां पे सर 1, फिर ये प्लस 1 आपने ऐड किया 0 और ये 1। ठीक, फिर यहां पे सर 1 1 1। ओके, लेकिन आप ध्यान दो कि सर जब हम लोग यहां पे लिखते हैं 100 को, तो 100 जब अपने पास टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना होता है ना, तो ये सर कौन सा फॉर्म अपने को दिख रहा है, आपको याद आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये कौन सा फॉर्म है, इसको हम लोग कल पढ़ चुके हैं, बताओ तो जरा कौन सा फॉर्म है ये, स्पेशल केस। एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये स्पेशल केस की बात हो रही है, तो यहां पे जब मैं लिखूंगा इसका, तो इसको हम लोग नॉर्मल वे से निकालते हैं। नॉर्मल वे से कैसे निकालेंगे, मैं यहां पे बोला कि ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट इसका 111, प्लस 1 आपने ऐड किया, साइन बिट को एज इट इज कॉपी कर दो, ठीक है, 110 कैरी 1, 110 कैरी 1 और ये 1, ये इस तरीके से मैंने आपको कुछ बताया था, और ये हो गया 3 बिट का और ये 4 बिट में आ गया, तो यहां पे जो चीजें चेंज हो जाती है 3 से 4 बिट में, दैट्स व्हाई अपन इसको स्पेशल केस में लेते हैं, है ना। अब इसको मैं लिखूंगा क्या यहाँ पे टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए, सर टूस कॉम्प्लीमेंट जो होगा इसका वही फॉर्म होगा जो हम लोग ऑलरेडी लिखते हैं, कौन सा फॉर्म सर 100। ठीक, और जब मैं इसके बात करता हूं ओरिजिनल नंबर का, ठीक है, ओरिजिनल नंबर, तो यहां पे मेरे पास 000 इसका क्या होगा सर प्लस 0, इसका मैं लिखूंगा डेसिमल इक्विवेलेंट, तो ये प्लस 1। ठीक, ये हो गया प्लस 2, यहां पे सर प्लस 3, यहां पे सर माइनस 0, ये सर नहीं माइनस 0 नहीं, टूस कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है यहां पे, टूस कॉम्प्लीमेंट की, और आपको तो पता ही कि स्पेशल केस को शो करता है, कौन सा केस हुआ सर स्पेशल केस, ध्यान रखना यहां पे वंस कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं हो रही है, टूस की बात हो रही है, और स्पेशल केस में यहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं सर -2 पावर 2, 2 जीरो है ना, इसका मतलब ही कितना होता है सर -4, समझ में आ गई बात। अब इसका इक्विवेलेंट क्या होगा सर -3, यहां पे -2 और यहां पे -1, ये सब मैंने यहां पे नोट कर दिया है,
तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर यहां पे डेसिमल रेंज आपको टूस कॉम्प्लीमेंट के कितने दिख रहे हैं, तो आप देखोगे सर -4 है, -3 है, मैं सब लिखता हूं यहां पे -3, -4, -3, -2, -1, फिर +0, +0 और ये 1, 2, 3, इसका मतलब रेंज अपने पास हो गया -4 से लेके +3 तक, ये -4 से +3 तक, ठीक। तो अगर मुझे इसको कंक्लूजन के फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने पल्स कॉम्प्लीमेंट का एक रेंज बताया था फॉर एन नंबर ऑफ बिट्स, तो इसी के लिए टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए तो हम लोग कंक्लूजन यहां पे लिखेंगे कंक्लूजन, और रेंज होगा अपने पास -2 पावर n-1 टू +2 पावर n-1 -1, ठीक है। तो ये रेंज हो गया टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए डेसिमल रेंज, डेसिमल रेंज फॉर टूस कॉम्प्लीमेंट वेयर n इज नंबर ऑफ बिट्स। क्या मेरे को पूरी बात समझ में आ रही है आप लोग को यहां पे, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया कंक्लूजन यहां पे। अगर मैं यहां पे चलो n इक्वल टू 3 बिट पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, -2 पावर 3 -1 से लेके +2 पावर 3 -1 -1, तो ये हो गया -4 से लेके +3 तक, यही तो आपको मिला था यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, n इक्वल टू 5 बिट पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो रेंज अपने पास क्या निकल के आएगा, ये देख लो, ये रेंज अपने पास क्या निकल के आएगा सर, -2 पावर 5 -1 से लेके +2 पावर 5 -1 -1, दैट मीन्स 2 पावर 4, ये हो गया अपने पास कितना सर, 16 से लेके +15 तक की यहां पे बात होगी। ये हो गया डेसिमल रेंज फॉर 5 बिट नंबर्स, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, और दोनों में अगर मैं फर्क बताऊं आपको, ठीक है, दोनों में अगर फर्क बताऊं, फर्क ये है कि वंस कॉम्प्लीमेंट में यहां पे -1 होता था, ठीक, लेकिन यहां पे अभी उस -1 को मैंने रिमूव कर दिया है, लेकिन अभी भी जो पॉजिटिव साइड का रेंज है वो वैसा ही हो वैसा ही है, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए, इसको बॉक्स बना के लिख लो। और दूसरी बात ये कि जब हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट लिखे थे तो आपको याद होगा कि वहां पे 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन थे, एक था -0 और दूसरा था +0, याद आया आपको। लेकिन जब बात हुई थी वंस कॉम्प्लीमेंट, लेकिन टूस कॉम्प्लीमेंट में 0 का सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन है और वो है +0, ये आप देख सकते हैं +0, ठीक। तो ये था पूरा कंप्लीट डिस्कशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन बाइनरी नंबर, और ये टॉपिक और ये चैप्टर यहां पे एंड होता है, ठीक है। तो आप इसको आराम से नोट कर लो, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको सब कुछ समझ में आ गया है, कोई भी ऐसा टॉपिक जहां पे आपको दिक्कत हुई है, क्वेश्चन भी मैंने कुछ बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, आपको हेल्पफुल रहेगा। ज्यादा क्वेश्चन यहां से उम्मीद नहीं करना आप लोग, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने पूरी क्लास लिया था कल एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। चलो रिप्लाई करो, तो आप लोगों को सबको समझ में आया, सर स्पेशल केस बता दीजिए, ठीक है। स्पेशल केस इसको आप एक बार नोट कर लो, बताता हूं, ठीक है। ठीक है, दो लोगों ने पूछा हुआ है निष्ठा और अभय, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि स्पेशल केस कौन सा है, बस 5 मिनट लगेगा, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। कैसे समझेंगे हम लोग उसको, कैसे पहचानेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि सर ये स्पेशल केस की बात हो रही है, ठीक।
सम्यक जैन ने पूछा कि सर वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट इक्वल क्यों होता है। ठीक ठीक सर, आप बताने वाले थे, अरे बिल्कुल बताएंगे अपन, है ना। पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने रिसर्च किया कि नहीं कि ये क्यों इक्वल होता है। मुझे एटलीस्ट आप लोग की तरफ से आंसर चाहिए। मैं तो बताऊंगा ही, एज अ टीचर मुझे तो बताना ही है ना। कुछ चीज ऐसी होती है कि सस्पेंस पे रखना पड़ता है ना। डायरेक्टली अपन बताएंगे तो मजा नहीं आता है, रिसर्च करोगे तब मजा आएगा अपने को भी। ठीक, नोट कर लिए होंगे। देखो ये जो स्पेशल केस है इसको मैं बस 5 मिनट में यहां पे डिस्कस कर देता हूं। स्पेशल केस ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है। टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के लिए स्पेशल केस हम लोग पढ़ते हैं, और ये स्पेशल केस कैसा होगा, लाइक अपने पास जैसे कि आपको टूस कॉम्प्लीमेंट यहां पे गिवन है, ठीक है, 1 0 1 00 1 0 0 1 4 times 0 1 5 times 0, ये इस टाइप के एंड सो ऑन। जब भी बात होगी तो मैं चलो 100 को एक सामने लेके आता हूं, 100, ओके। ये आपको टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में गिवन, टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज गिवन ये। अब इसमें आपको मैं बोला कि आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो ये जो टूस कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है ये 3-bit का रिप्रेजेंटेशन है ना, सभी को दिख रहा होगा। इसका ओरिजिनल नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वापस से 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो। सर क्यों, क्योंकि ये 1 जो है वो इसके साइन बिट को शो कर रहा है, और 1 है मतलब क्या हुआ वो, कि सर वो नेगेटिव नंबर को शो कर रहा है, ठीक। तो मैं सबसे पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो ये हो जाएगा 0, सॉरी साइन बिट तो एज इट इज होने वाला है, साइन बिट 1, और ये दोनों हो गए 1 1। फिर इसमें 1 ऐड किए तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस 110 कैरी 1, 110 कैरी 1। ध्यान रखना साइन बिट में कैरी मत ऐड कर देना, सब खत्म हो जाएगा, है ना। साइन बिट एज इट इज रहता है, उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होता है। साइन बिट सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव को बताने के लिए होता है, अदरवाइज बाकी बचे हुए बिट जो होते हैं वो मैग्नेटिक बिट होते हैं, ठीक। तो ये जो कैरी बन रहा है वो मैग्नीट्यूड बिट पे बन रहा है, तो ये 1 नीचे उतारेंगे और ये 1 साइन बिट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो था वो 3-bit का रिप्रेजेंटेशन था, और ये अपने पास हो गया 4-bit के रिप्रेजेंटेशन में। और आप इसमें एक और चीज ध्यान दे रहे होंगे कि अगर मैं -4 अगर आपको लिखने बोलू, ध्यान देना मेरी बात पे, आप -4 अगर मैं आपको लिखने बोल रहा हूं तो इसका SMR क्या होगा। सर पहले तो मैग्नीट्यूड आप लिखोगे 100, फिर नेगेटिव साइन के लिए आप लिखोगे 1, ठीक। तो ये जो SMR आपको दिख रहा है और ये सेम रिप्रेजेंटेशन आपको इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म दिख रहा है, तो इस सिचुएशन में ये होता है स्पेशल केस, जहां पे इस टाइप का जो कैलकुलेशन होता है वो इनवैलिड होता है, ठीक। और ये जो है इसके हर एक केस में होगा, यहाँ पे हर एक केस में, मैंने तो ये बस आपको बताया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि स्पेशल केस में आपको अगर 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म गिवन है तो उसका अगर मुझे ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, ओरिजिनल नंबर, तो ये हो जाएगा अपने पास -2n के फॉर्म में, और n अपने पास क्या है, n अपने पास है नंबर ऑफ जीरोस, ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था, नंबर ऑफ जीरोस, ओके। और नंबर ऑफ जीरोस में जो आपने लिखा हुआ है 2's कॉम्प्लीमेंट, तो एक्चुअली में 2's कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका होता है 1 followed by n नंबर ऑफ जीरोस, क्या n नंबर ऑफ जीरोस। तो ये जो n है ये एक्चुअली इसको शो कर रहा है कितने जीरो लगे यहां पे, सर 1 0, मतलब ये हो जाएगा -2 power 1।
कितना माइनस टू, सर ये हो जाएगा माइनस टू पावर दो जीरो में, तो ये हो गया ओरिजिनल नंबर माइनस फोर, ये सर माइनस टू पावर थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस एट, यहाँ पे माइनस टू पावर फोर माइनस सिक्सटीन, ये ओरिजिनल नंबर हो गए और ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, माइनस टू पावर हाउ मच फाइव जीरोस, दैट मीन्स माइनस थर्टी टू एंड सो ऑन, इसको लिख लो आप लोग। तो ये होता है स्पेशल केस, तो आपको पहचानने आ गया होगा यहाँ पे, ये इस टाइप के फॉर्म अपने को दिखेंगे ऑलवेज टूज कॉम्प्लीमेंट में, और जैसे ही इस टाइप के नंबर्स का आप लोग दो बिट में लिखा हुआ है तो कंफर्म है कि थ्री बिट में जाएगा ही जाएगा, है ना। अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है देखो करके बता रहा हूं, ये वन जीरो को लेते हैं, ये वन जीरो ठीक, इसमें मैंने इसका निकाला वंस कॉम्प्लीमेंट, तो कितना होगा सर वन और वन, फिर इसका निकाले टूज कॉम्प्लीमेंट प्लस वन आपने एड किया, ये साइन बिट एज इट इज, वन प्लस वन कितना हुआ सर जीरो, कैरी वन और ये वन, देखो थ्री बिट आ गए, है ना। तो ये सिनारियो जो है वो इस टाइप के टूज कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन में ऑलवेज होगा, इसको हम लोग स्पेशल केस के लेके जा रहे हैं ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं यार, तो ये चैप्टर अपने पास एंड होता है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जो डाउट पूछे थे समझ में आ गया, रिप्लाई कर दो आप लोग। ठीक है, तो यहां से आपको जहां से भी आपको क्वेश्चन मिलता है आईएएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गेट में तो उतने क्वेश्चन इस चैप्टर से आते नहीं है, तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन ही मिलेंगे इस पूरे गेट के इतिहास में, है ना। आपको पहले बता दूं मैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो या इंस्ट्रूमेंटेशन हो, जिस भी ब्रांच के आप लोग यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, इस चैप्टर से आपको 10 से 12 क्वेश्चन ही मिलेंगे पूरे गेट के हिस्ट्री में। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, तो आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आता रहता है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चैप्टर, और बढ़िया सा नाम है इसका लॉजिक गेट्स, अच्छा लगेगा आप इसको पढ़ेंगे तो, लॉजिक गेट्स एंड स्विचिंग सर्किट, नेक्स्ट चैप्टर। लॉजिक गेट्स एंड स्विचिंग सर्किट ठीक है, डाल ली एडिंग आप लोग। अब लिखो इसमें, लॉजिक गेट्स आर द फंडामेंटल और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, लॉजिक गेट्स आर लॉजिक गेट्स आर द फंडामेंटल और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम कॉमा इट हैज द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस इन द सेंस दैट डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है ना, जस्ट एक फॉर एक एग्जाम एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, और कुछ खास नहीं है ठीक है, कोई डेफिनेशन आपसे पूछने नहीं वाला गेट में। इट हैज द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस इन द सेंस दैट इट प्रोड्यूसेस आउटपुट
it produces output for different combinations of applied input. For different combinations of applied input. Applied input. ठीक है? ओके लिख लिए. अब देखो अपन यहां पे लॉजिक गेट्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं. जिसमें से जो फर्स्ट पार्ट है तो आप लोग लिखेंगे यहां पे टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स. टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, उसमें फर्स्ट टाइप अपन पढ़ेंगे यहां पे बेसिक गेट्स. बेसिक गेट्स में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले एंड गेट, और गेट और नॉट गेट. नॉट गेट को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं और उसका नाम है इन्वर्टर. ठीक है, ये इन्वर्टर. सेकंड यूनिवर्सल गेट. यूनिवर्सल गेट इसमें अपने को पढ़ना है नैंड गेट और नॉर गेट. और थर्ड नंबर यहां पे देखना है स्पेशल गेट्स. स्पेशल गेट्स पे अपने को पढ़ना है एक्सक्लूसिव ऑर गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट. ये तो ये अपने को टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं. अब यहां पे सभी को ये लॉजिक गेट्स का आइडिया होता है ना. मैं ऐसा बिल्कुल मान के चल रहा हूं, लेकिन आप लोग ऐसा मान के मत चलना. आप ये सोचो कि आपको कुछ नहीं आता है, जो आता है भूल जाओ, है ना. कई लोग क्या करते हैं कि यार सर आज लॉजिक गेट्स पढ़ा रहे हैं, यार अपने को जो टॉपिक 7 गेट्स की बात होगी इस पूरे 1.5 घंटे क्लास में, क्या ही इसमें हम लोग सीख लेंगे. नहीं, आपको बहुत सारी नई नई चीजें यहाँ पे पता चलेंगी गेट के अकॉर्डिंगली. तो बड़े ध्यान से देखना है इस टॉपिक को. ठीक है, पूरा डिटेल में हम लोग जाने वाले हैं हर एक गेट में. ओके, इसको आप नोट कर लो यहाँ पे, हर एक गेट के पूरे डिटेल में जाएंगे, है ना. फर्स्ट फर्स्ट हम लोग यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक गेट्स. बेसिक गेट में हम देखने वाले हैं एंड गेट. एंड गेट का अगर मैं सिंबल लिखता हूं तो सिंबल यार सभी को पता होता है एंड गेट को जिस तरीके से दिखता है. ये हो गया अपने पास ए इनपुट बी इनपुट, और इसका जो एक्सप्रेशन होता है यहां पे ये होता है ए और बी दोनों इनपुट के बीच में एंड ऑपरेशन, इसी को हम बोलते हैं एंड गेट. ये ठीक, तो ये आपने जो लिखा हुआ है ये अपने पास है टू इनपुट एंड गेट. क्या है, टू इनपुट एंड गेट. अब इसी का जो वर्किंग है मतलब इसको हम लोग ट्रूथ टेबल से पढ़ने वाले हैं. सो ट्रूथ टेबल में मैंने लिखा इनपुट्स ए बी और फाइनल आउटपुट हो गया ए बी. ठीक, तो दो अपने पास इनपुट है तो कितने, दो दो इनपुट मतलब दो बिट्स के फॉर्म में होगा. दो बिट मतलब कितना हो गया, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, चार कॉम्बिनेशन होंगे. कहां से पता चलता है सर, टू पावर एन से. ठीक है, ये अपने को क्या शो करता है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन किसके लिए, फॉर एन नंबर ऑफ बिट्स. ये मैं सब लिख देता हूं आपके सामने, साथ में आप नोट कर लो. ठीक, तो ये हो गया 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे ये यह आएगा अपने पास 0 into 0 0 0 into 1 0 1 into 0 0 और 1 into 1 ये 1. ये हो गया अपने पास एंड ऑपरेशन. ट्रूथ टेबल आप लोग नोट कर लेंगे. ठीक, अब इसी ट्रूथ टेबल को अगर मैं बोलू कि मैंने यहाँ पे जो फॉर्म किया हुआ है टू इनपुट्स के लिए, तो मैंने वन को यहाँ पे जो लिया हुआ है उसको लो लॉजिक लिया हुआ है. क्या लिया है, लो लॉजिक. और जीरो को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला हूं हाई लॉजिक. ठीक, ये मैं ऐसा लिया हुआ है. तो जब भी इस टाइप के सिस्टम की बात होगी या जब भी इस टाइप के गेट की बात होगी, ये तो यहां पे मैं ट्रूथ टेबल को लिखूंगा ए बी और वाई इज इक्वल टू ए एंड बी एंड ऑपरेशन. तो जीरो के लिए मैं यहां पे लिखा लो, ये भी अपने पास लो,
ये हाई ये लो और हाई वन वन के लिए हाई हाई ठीक। इसका जो आउटपुट होगा ये होगा अपने पास लो, ये भी लो, ये भी लो और ये हाई ठीक। इसे आप नोट कर लो, ये टोट टेबल हो गया ठीक। अगर इसके स्विचिंग सर्किट की बात होती है, स्विचिंग सर्किट अपने को पढ़ना है, स्विचिंग सर्किट तो जैसे मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया हुआ है ये V, तो ये अपने पास एक बैटरी हो गया और इस बैटरी में मैंने यहाँ पे स्विचेस कनेक्ट किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट किया है। अभी मुझे बल्ब को यहाँ पे क्या करना है, ग्लो करना है। ये बल्ब जो है ये क्या है अपने पास, ये बल्ब, इसको मुझे ग्लो करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे सर, ये दोनों स्विच जो है वो ऑन होने चाहिए। मतलब अगर मैं स्विच ए और बी लिया और ये ए और बी स्विच को यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं जीरो और वन फॉर्म में, मतलब लो लॉजिक और हाई लॉजिक के फॉर्म में ठीक। तो जब यहाँ पे बल्ब ऑन होगा, ऑन होने के लिए क्या है कि ये जो सर्किट है वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब इस बैटरी से करंट यहाँ पे फ्लो होना चाहिए। तो करंट का फ्लो होगा जब दोनों स्विच यहाँ पे क्लोज होंगे, इसका मतलब है कि दोनों स्विच जो है वो हाई लॉजिक पे होने चाहिए। दैट मीन्स जब ये होगा वन और वन दोनों के दोनों, तभी यहाँ पे बल्ब जो है ऊपर में गलत सिंबल लिखा है वन एंड जीरो के लिए। ओ सॉरी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है ना, जैसे बुक में मिस्टेक होता रहता है वैसे टाइप का मिस्टेक है ये ठीक। ओके चलो, तो ए और बी दोनों स्विच को ऑन होने चाहिए, मतलब कि वन और वन हाई लॉजिक में होने चाहिए, तभी ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा ठीक है। इसका मतलब ये जो बना हुआ है स्विचिंग सर्किट, ये एंड गेट का स्विचिंग सर्किट हो गया। अब इसी के लिए अगर मैं ट्रुथ टेबल फॉर्म करता हूं, इसके लिए ट्रुथ टेबल तो कैसे दिखेगा सर, ए बी और वाई, और वाई की जगह पे मैं यहां पे लिखूंगा बल्ब ठीक है। तो ये हो जाएगा जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन ठीक। तो अब यहां जीरो वन की बात नहीं हो रही है, अब यहां पे बात हो रही है स्विचेस की। अब इसको मैं हटा के क्या लिख रहा हूं, यहां पे जीरो के लिए स्विच ऑफ है, ये भी स्विच ऑफ है मतलब ओपन है, फिर ये मेरे पास ऑफ, ये ऑन, फिर ये ऑन और ये ऑफ, और ये अपने पास ऑन और ये भी ऑन ठीक। जब दोनों स्विच ऑन होंगे मतलब क्लोज होंगे है ना, तो क्लोज होने पे आपको यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, मतलब ये हो जाएगा ऑन ठीक। और बाकी जगह पे कोई भी एक स्विच अगर ओपन है तो करंट विल नॉट फ्लो इन द सर्किट, देन बल्ब विल नॉट ग्लो। ये इसको नोट कर लो आप लोग। नोट कर लिए, कमेंट करो आप लोग नोट करने के बाद। ठीक है चलो आगे बढ़े। तो ये बात हो गई है कहां पे, टू टेबल फॉर एंड गेट, टू इनपुट एंड गेट के लिए। तो यहां पे आप देख रहे हो कि दोनों लो है, तो ये लो लो और हाई लो। तो एंड गेट का ऑपरेशन आपको ये बोलना है कि कोई भी दोनों इनपुट में से एक जो है अगर जीरो हो गया तो उसका आउटपुट भी जीरो होगा। मतलब एंड गेट के आउटपुट को वन होने के लिए दोनों इनपुट को वन होना पड़ेगा, मतलब हाई लॉजिक पे ठीक है। और इस टाइप के गेट्स को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के एंड गेट्स को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट, पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट। इसको आप लिख लो यहां पे ठीक।
अब अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लॉजिक एंड गेट की बात करता हूं, ये देखो क्या लिख रहा हूं मैं, नेगेटिव लॉजिक एंड गेट, तब पूरी चीजें यहाँ पे चेंज रहेंगी। कैसे? जो मैंने पॉजिटिव लॉजिक, मतलब क्या हो रहा है कि जीरो को हम लोग लो बोल रहे हैं और वन को हाई लॉजिक बोल रहे हैं, तो लेकिन अब मैं नेगेटिव लिख दिया तो ये हो जाएगा जीरो के लिए सर हाई लॉजिक, ये जीरो के लिए हाई लॉजिक और वन के लिए लो लॉजिक। तो इसका जब ट्रूथ टेबल बनेगा तो देखो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, ए बी और आउटपुट होगा अपने पास वाई इक्वल टू ए बी। तो सारी चीजें पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट से नेगेटिव लॉजिक एंड गेट में सब चीज अपोजिट हो जाएंगी। अपोजिट मतलब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ये जो आपने लो और लो लिखा हुआ है तो, या इसको अगर मैं लिखूं तो ये जीरो क्या बनेगा, अब ये हो जाएगा वन वन और ये आउटपुट वन, फिर ये सर ये अपने पास वन जीरो, ये वन फिर जीरो वन फिर ये वन और लास्ट में अपने पास दोनों जीरो, ये दोनों जीरो और ये लास्ट में जीरो। इसके लिए नेगेटिव लॉजिक एंड गेट के लिए अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाता हूं तो ए बी वाई इज इक्वल टू ए बी, तो अब यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, सारी चीजें अपोजिट रहेंगे। लो के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं हाई नेगेटिव लॉजिक के लिए, और यहाँ पे ये भी हाई अपने पास और ये भी हाई, ये ठीक ये हाई और ये लो, यहाँ पे ये अपने पास हाई ठीक लो हाई और अभी भी ये हाई है अपने पास और ये लो लो और ये भी लो ठीक। सब चीज अपोजिट हो जाएंगे किसके लिए, पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट से जब हम लोग नेगेटिव लॉजिक एंड गेट्स पे आएंगे। ठीक है, और स्विचिंग सर्किट की अगर बात करते हैं तो स्विचिंग सर्किट तो वैसे ही रहेगा जब दोनों हाई है। हाई मतलब वहां पे क्या बोल रहे हैं, हाई मतलब कि सर जो दोनों स्विच है वो अपने पास ओपन होने वाले हैं ठीक, तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा, है ना। सारी अपोजिट बात करी यहाँ, ओके सब चीज आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ये टू इनपुट की बात हो गई है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्री इनपुट एंड गेट। थ्री इनपुट एंड गेट, सो थ्री इनपुट मैंने लिया हुआ है, पहले अपन एक काम करते हैं सिंबल बनाते हैं। ये देखो सिंबल बन गया, वाई इज इक्वल टू इनपुट्स मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ए बी और ये सी, तो आउटपुट क्या होगा ए बी सी। इसका अगर ट्रूथ टेबल बनाएंगे इनपुट्स ए बी सी और इसका जो आउटपुट होगा वाई इज इक्वल टू ए बी सी, तो सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे नोट कर लो, जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 डबल जीरो 101 110 111 ठीक। अब यहां पे ये सर आपको तो पता ही है कि एंड गेट का आउटपुट 1 होने के लिए क्या होता है कि तीनों इनपुट्स 1 होने चाहिए, है ना, मतलब लास्ट में ही सिर्फ 1 आएगा और बाकी जगह पे क्या आएगा सर, बाकी जगह पे 0। तो ये देख लो ये 0 लगा देते हैं अपन, क्योंकि एक भी इनपुट अगर यहाँ पे 0 हो गया तो आउटपुट भी आपको 0 ही मिलेगा। पारा सोनी का भी अग्रवाल, पारा सोनी तो वही है जो पढ़ाता टीचर। अच्छा अबे अग्रवाल आदित्य पुराने क्विज इसमें हुआ, अमित कुमार वे दीपक वाथम है, करुणा यादव है जी अपने कॉलेज की, ये करुणा यादव करुणा तो मेरे साथ ही पढ़ी ठीक है, निष्ठा गोयल भी इसमें, संस्कार गर्ग है। आज आप लोग कॉलेज में कुछ चल रहा है क्या, आज स्टूडेंट कम क्यों है, कम अटेंड क्यों कर रहे हैं, बोल रहा है आप लोग का मिड्स है वगैरह आने वाला है क्या कि मजा नहीं आ रहा क्लास, बताओ सच बताओ जो भी है। अच्छा मिड सेम एग्जैक्टली, तभी आज मुझे कम दिख रहे हैं, बाकी अभी तीन दिन तो ठीक थे, आज कम दिख रहे हैं। कब से आप लोग का मिड सेम बताओ तो, कब से मिड सेम है, अच्छा 12 से ही है, तो आप लोग के मिड सेम के टाइम पे क्लास होगी ये डिजिटल की,
क्या बोले आप लोग कॉलेज वाले बताओ? ठीक है चलो, तो थ्री इनपुट्स या एंड गेट की बात हो रही है, ट्रुथ टेबल मैंने बना दिया है, स्विचिंग सर्किट भी है। स्विचिंग सर्किट पे क्या होगा कि तीनों जो यहाँ पे लगे हुए हैं स्विचेस वो अपने पास सीरीज में आएंगे, मतलब कास्केडेड कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप 2 घंटे क्लास अटेंड यहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती होगी, मैं आपको पहले बता दूं, या आप अपने फ्रेंड्स को बता देंगे, क्योंकि यार एक मिड सेम के लिए गेट क्लास को आपको प्रिपेयर करना, प्रिपेयर करके छोड़ देना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती है यार। मिड सेम एग्जाम तो ऐसे एक रात जग के अपने पास पास हो जाएंगे, अच्छा मार्क्स भी आ जाता है, 80-90% आराम से आ जाते हैं, लेकिन यार गेट क्लास आप लोग मत छोड़ो, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं कह रहा हूं, ठीक है। सेकेंड नंबर और गेट, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पे टू इनपुट्स और गेट के लिए, टू इनपुट और गेट। तो सिंबल यहां पे फॉर्म कर लेते हैं, और गेट का सिंबल सबको पता ही है, फटाफट आप लोग मेरे साथ नोट करो, ये हो गया सिंबल ए और ये बी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और ऑपरेशन हो रहा है ए और बी के बीच में, इसका अगर हम लोग ट्रूथ टेबल फॉर्म करते हैं, ये देखो ट्रूथ टेबल, सो हो जाएगा ए बी और y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक, 0 0 0 1 1 0 1 1। सो ट्रूथ टेबल अपन फॉर्म कर रहे हैं, सो और ऑपरेशन करना है, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0, ये हो गया 1, और 1 प्लस 1, ये हो गया और ऑपरेशन, एडिशन नहीं हो रहा ना, ध्यान रखना, और ऑपरेशन अलग होता है, एडिशन करना अलग होता है। अगर मैं 1 और 1 का एडिशन करूंगा तो मुझे पहले 0 मिलेगा, उसके बाद कैरी बनेगा 1, ठीक है ना, ओके। चलो इसको लिख लो आप लोग, ये ट्रुथ टेबल की बात हो गई है। अभी अगर मैं इसका स्विचिंग सर्किट फॉर्म करता हूं, स्विचिंग सर्किट, तो स्विचिंग सर्किट ये मैंने यहां पे बैटरी दिया वी, और स्विच जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये दो स्विच मैंने यहां पे पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रूथ टेबल देख रहे होंगे, सो ट्रूथ टेबल में आपको दिख रहा है कि सर दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर 1 हो गया तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा, और ये है अपने पास बल्ब, स्विच ए और स्विच बी, तो दोनों में से कोई भी एक स्विच अगर क्लोज हो गया तो करंट तो फ्लो होगा ना उस पाथ से, और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। इसका मतलब अगर इसका ट्रूथ टेबल अपन फॉर्म करते हैं ए और बी, और मैं यहां पे लिख रहा हूं बल्ब, सो ये हो जाएगा अपने पास लो और ये भी लो, मतलब दोनों स्विच यहाँ पे ऑफ है, ठीक। तो मैं इसको लो को यहाँ पे स्विचिंग के फॉर्म अगर बताऊं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑफ, ये भी ऑफ, तो बल्ब विल ऑफ, ये ऑफ, ठीक, और ये ऑन। तो मैंने कहा कि कोई भी स्विच अगर एक ऑन है तो बल्ब ग्लो करेगा, मतलब ऑन। फिर अगर एक ऑन हुआ और दूसरा ऑफ है तो भी बल्ब ग्लो करेगा, और दोनों अगर ऑन है तो बहुत अच्छी बात है, तो बल्ब तो ग्लो करना ही है यहाँ पे। ये ठीक, स्विचिंग सर्किट। अभी देखो अगर मैं थ्री इनपुट्स और गेट की बात करता हूं, फटाफट आप नोट करेंगे, सबको आता ही है, आराम से जल्दी से नोट करेंगे, ये कोई नई नई चीज नहीं है आपके लिए। तो इसमें क्या होगा, अपने पास थ्री इनपुट्स मैंने लिया हुआ है, तो आपको तो पता है कि और गेट का अगर मैं फंक्शनिंग देखता हूं तो
तो यहाँ पे कोई भी एक इनपुट के वन होने से आउटपुट विल बी वन इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर इनपुट्स. मतलब y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे ट्रूथ टेबल में, a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि तीनों यहाँ पे जीरो है, दैट मीन्स ये होगा जीरो और तीनों में से कोई एक वन हो गया, मतलब ये वन है, आउटपुट विल बी वन. अब यहाँ पे हर एक जगह पे ये होगा आउटपुट वन. ठीक, सब नोट करते चलो यहाँ पे. ओके, अगर इसके अपन स्विचिंग सर्किट की बात करते हैं, स्विचिंग सर्किट तो ये हो जाएगा एक स्विच, ये दूसरा स्विच और ये तीसरा स्विच, ए बी और ये सी. सो और गेट पे अपने पास जो स्विच लगे हुए वो पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं, और एंड गेट की जब बात हो रही थी तो वहां पे कनेक्टेड थे सीरीज में, कास्केड में, है ना. और स्विचिंग की अगर बात करते हैं तो आप लोगों का नेटवर्क हो गया क्या? नेटवर्क हो गया आप लोग का? बताओ तो. ये सुनो, नेटवर्क थोड़ी हो गया आप लोग का? ठीक है, बिल्कुल. तो नेटवर्क थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे स्विचिंग की बात, एक चैप्टर पूरा होता है उसमें. एट टी इक्वल टू जीरो प्लस पे जीरो माइनस पे स्विच ओपन होता है क्लोज होता है, और वो टॉपिक का नाम है ट्रांजिएंट एनालिसिस. ठीक है, ये टॉपिक आप लोग को हुआ होगा, बताओ तो हुआ है क्या? समझ में आया पूरा टॉपिक? वो मस्त हो गया होगा आपका टॉपिक, एकदम जबरदस्त है वो. पूरे गेट के सिलेबस में अपने चाहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, सबसे मस्त टॉपिक है. अगर वो टॉपिक आपका अच्छा है ना, मतलब आप उसमें खेल रहे हो खेल पूरा, तो आप कोई भी सब्जेक्ट में खेल खेल दो, ये ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है. ठीक, तो यहाँ पे जितना आपने लिखा हुआ है और गेट के बारे में, ये बात हो रही थी यहाँ पे पॉजिटिव लॉजिक और गेट की. ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे इसको फॉर्म करता हूं नेगेटिव लॉजिक में, ये देखो नेगेटिव लॉजिक और गेट, तो मैं टू इनपुट के लिए बस बता देता हूँ. नेगेटिव लॉजिक के लिए तो यहाँ पे जो ट्रूथ टेबल बना हुआ है ए बी, और ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक है, तो यहाँ पे होगा सारी चीजें चेंज जाएंगी. आपने लिखा था यहाँ पे क्या कि सर वन आपने लिखा हाई लॉजिक पे और आपने जीरो को लिखा लो लॉजिक पे. तो जब मैं यहाँ पे नेगेटिव लॉजिक की बात करता हूँ तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे जीरो को हाई लॉजिक पे और वन को लो लॉजिक पे. ठीक है, ये सब की बात होगी. इसका मतलब यहाँ हो जाएगा जस्ट अपोजिट केस, मतलब वन 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 जीरो जीरो वन जीरो जीरो. आउटपुट्स क्या आएंगे यहाँ पे, देखो आउटपुट कैसे दिखेगा सर, ये वन ठीक है और बाकी जगह पे जीरो. ठीक है, समझ में आ रही बात सर? इतना सिंपल आप क्यों बता रहे हैं? अभी यहां से कुछ बताने वाला हूं, ध्यान से देखते रहना हर चीज को आप. ठीक है, अगर इसका हम लोग एक और ट्रूथ टेबल बनाते हैं ए प्लस बी, तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, वहां पे मैंने लिखा हाई लॉजिक लो लॉजिक के लिए, तो यहां पे ये जो वन लिखा हुआ है ये होगा लो लॉजिक लो लॉजिक. अब मैं यहां पे लिखूंगा जस्ट अपोजिट हाई लॉजिक ठीक है, यहाँ पे हाई लॉजिक लो लॉजिक, यहाँ लो लॉजिक और ये हाई लॉजिक. ठीक, और इसका आउटपुट क्या बनेगा अपने पास सर, ये हाई बनेगा और बाकी जगह पे लो आएगा. ये सब नोट कर लो आप लोग, नेगेटिव लॉजिक और गेट. हंसते खेलते आराम से पढ़ेंगे इसमें आप लोग को, आप हर एक चीज देखते रहना, हर एक चीज नोट करना. इसको नोट करने के बाद मैं आपको इतनी गारंटी दूंगा कि आपको इस वाले टॉपिक में पेज पलटाने का जरूरत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, है ना. बस हर एक चीज लिखते जाना आप लोग, ये मत सोचना अरे सर टू लॉजिक टू इनपुट के लिए तो लिख लिए हैं, थ्री इनपुट्स के लिए क्यों लिख रहे हैं, ऐसा मत सोचना, सब चीज लिखना आप लोग. ओके, और यहां तक लिखने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों से कुछ पूछने वाला हूं.
इसको लिख लो आप पहले। ठीक है, नोट कर लिए पूरा। अभी आपसे मैं पूछ रहा हूं कि हम लोग दो गेट्स पढ़ चुके हैं, है ना, और दो गेट्स में इस टाइप का ये मैं सिर्फ दो इनपुट गेट्स की बात कर रहा हूं, एंड गेट हो या और गेट हो, ठीक है। तो आप देखो कि इस टाइप का टेबल अपन टू इनपुट गेट के लिए कितना बना चुके हैं, एक बार देखो ना आप लोग कितना बना चुके हैं, 1 2 3 4 कितना बनाया, देखो एक बार। इस टाइप का टेबल हम लोग दो इनपुट्स पढ़ लिए यहाँ पे एंड गेट और गेट के लिए, तो कितने टेबल हम लोगों ने बनाए हैं 1001 के फॉर्म में। चार, ठीक है, सभी का यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है चार। तो चार जो टेबल हम लोग बनाए हैं, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट की बात की थी, क्या एंड गेट की बात की थी, और जब मैंने नेगेटिव लॉजिक या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि पॉजिटिव लॉजिक और गेट, ये तो ये किसके इक्वल दिख रहा होगा आपको, ट्रूथ टेबल को आप लोग ध्यान से एक बार घूर के देखो, है ना, जैसे हम लोग घूरते हैं ना बाकी चीजों को, समझ रहे हैं ना, तो वैसे इसको घूर के देखो एक बार चारों टेबल को। तो जो पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट का टेबल है वो नेगेटिव लॉजिक और गेट के इक्वल आपको दिखेगा। ध्यान से आप लोग देखो, पॉजिटिव लॉजिक और गेट का जो टेबल है वो आपको नेगेटिव लॉजिक एंड गेट के इक्वल दिखेगा, एक बार देखो आप लोग, और अगर आपको दिखे तो इसको बढ़िया सा बॉक्स बना के आप नोट कर लो कंक्लूजन में, ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग। देखो यहां पे कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, पॉजिटिव लॉजिक और गेट इक्वल टू नेगेटिव लॉजिक एंड गेट, बहुत बढ़िया, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट गेट, दैट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर, ये आप साथ में लिख लो इसको, इन्वर्टर, ठीक है। अब इसका सिंबल अगर अपन फॉर्म करते हैं तो ये अपने को एक डायोड के दिखता है, ये देखो ये डायोड हो गया, ऐसे होता है डायोड, अपने पास डायोड ही बनाना है, अपने को बनाना है इन्वर्टर, ये हो गया अपने पास इन्वर्टर, और ये बबल ए इज इक्वल टू वाई इक्वल टू, बबल मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो इनपुट आप अप्लाई कर रहे हो उसका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होने वाला है, कैसे, अब देखो इसका यहाँ पे ट्रूथ टेबल मतलब ए और वाई इक्वल टू ए बार, ये बार मतलब कॉम्प्लीमेंट या इसका बबल फॉर्म, ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे भी शो करते हैं ए डैश से, तो ए डैश क्या शो कर रहा है, इसके बबल फॉर्म को, ओके, या इसको हम लोग शो करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से, ये सब एक ही चीजें हैं, ये सब मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए, ए डैश ए बार ए कॉम्प्लीमेंट, ये सब एक ही चीजें हैं, एक इनपुट है तो दो कॉम्बिनेशन होंगे, आइदर जीरो और वन, मतलब ये हो गया जीरो और ये वन, दैट मीन्स यहां पे आप लिखोगे वन और ये जीरो, ये हो गया ट्रूथ टेबल फॉर नॉट गेट वन इनपुट। ठीक है, लिखते चलो इसको आप लोग।
ठीक है। अब इसका हम लोग कुछ टाइमिंग डायग्राम देखते हैं नॉट गेट का। कैसे, अगर मैं एक आइडियल केस की बात करता हूं, ये देखो आइडियल केस, तो आइडियल केस में मैंने क्या किया हुआ है कि एक सिग्नल यहां पे प्रोवाइड किया इनपुट ऑफ इन्वर्टर, ये देखो ऐसा। तो ये सिग्नल कुछ है, ये जीरो हो गया और ये वन लॉजिक के फॉर्म में, जैसे ही इन्वर्टर में अप्लाई होगा तो इसका जो आउटपुट होगा ये कैसा दिखेगा आपको सर? इसका जो आउटपुट है ये जीरो का बनेगा वन, ठीक, जीरो का क्या बनेगा अपने पास ये वन, और ये वन का ये बनेगा जीरो, ये वन और ये जीरो, इस तरीके से बात होगी। तब सर आइडियल केस, आइडियल केस में जीरो से वन में जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो यहाँ पे इंस्टेंटली हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट पे आप देख रहे हैं, इसलिए मैंने इसको आइडियल केस बोला होगा। जितने भी अपने पास बात होती है स्विचिंग के लिए हम उसमें हमेशा आइडियल केस को ही लेते हैं, है ना। जैसे आपने जितना भी नेटवर्क थ्योरी पढ़ा होगा उसमें अपन जब स्विच लगाते हैं तो t इक्वल टू जीरो पे स्विच ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है वो उसी मोमेंट पे ही होता है। ऐसा नहीं कि स्विच को क्लोज होने में टाइम लग रहा है माइक्रोसेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में, अगर ऐसा टाइम लगेगा तो आपको वहां पे उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि लेट सपोज t इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज हो गया तो वो नेक्स्ट जो है स्विच क्लोज होने में लेट सपोज वो 10 माइक्रोसेकेंड का टाइम लेगा, तो ये भी आपको एनालिसिस पे लाना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब भी बात स्विचिंग की होती है हमेशा आइडियल केस की बात करते हैं। लेकिन चलो अगर मैंने आप पे प्रैक्टिकल केस की बात किया, इसको आप तक ध्यान से बनाना आपको प्रैक्टिकल केस, तो प्रैक्टिकल केस में क्या होगा देखो, ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया सिग्नल, ठीक है, और इसके लिए मैं सिग्नल को अप्लाई करने वाला हूं एक इन्वर्टर, ठीक। तो ये जो फॉर्म है वो है जीरो और ये वन, आप देख सकते हैं कि जीरो और वन के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है इसमें कुछ एक टाइम लग रहा है, आप देख सकते हैं कुछ एक फाइनाइट टाइम आपके पास लग रहा है, और यहाँ पे इंस्टेंटली जीरो से वन में ये ट्रांजिट हो रहा था, ओके। तो ये बात किया मैंने विदाउट प्रोपोगेशन डिले, विदाउट प्रोपोगेशन डिले, प्रोपोगेशन डिले की जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, विदाउट प्रोपोगेशन डिले, ठीक। तो यहाँ पे जो अपने को आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा अपने को जीरो और ये वन, जीरो और ये वन, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इन्वर्टर का आउटपुट होगा, ठीक। लेकिन जैसे यहाँ पे बात होगी एक प्रोपोगेशन डिले का, तो देखो काम कैसे करेगा प्रोपोगेशन डिले के टाइम पे, इसको मैं बना रहा हूं देखना, ये मैंने इन्वर्टर फॉर्म किया, चलो ये सिग्नल को थोड़ा और लेते हैं, ये जीरो और ये वन और ये जीरो, ठीक। तो प्रोपोगेशन डिले की जब बात होती है सबसे पहले जो इनपुट में अप्लाई होने वाला है वो है जीरो, सभी को इसका आउटपुट पता है कि आउटपुट यही आएगा, है ना, ये आपको सब कुछ पता है। तो मैं इसको ये वापस से बना देता हूं, देखो मैं वापस बना रहा हूं, ये हो जाएगा जीरो का वन, ठीक, और ये वन का जीरो, और वापस से ट्रांजिट होके बनेगा ये वन, ऐसे कुछ फिगर बनेगा। लेकिन ये तो ठीक है, ये इनपुट की बात हो रही है आप और ये अपने पास ये आउटपुट की बात हो रही है। अब मैं इसी आउटपुट को इसी टाइमिंग डायग्राम के नीचे लाने वाला हूं, देखना यहाँ पे आप लोग। तो जब ये जीरो इस इंस्टेंट पे दिखेगा तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आउटपुट वन, ठीक। लेकिन जब ये जीरो से वन पे ट्रांजिट हो रहा है तो आप देख रहे होंगे जब ट्रांजिट हो रहा है तो ये एक फाइनाइट टाइम ले रहा है ना, और ये ट्रांजिशन जो है इस, अगर ये इन्वर्टर आपको प्रोपोगेशन डिले प्रोवाइड कर रहा है टीपीडी का, ठीक है, आपने पास प्रोपोगेशन डिले टाइम टीपीडी, अगर ये इन्वर्टर एक प्रोपोगेशन डिले आपको प्रोवाइड कर रहा है तो इसका जो आउटपुट होगा वो आपको एक डिले के बाद यहाँ पे मिलना स्टार्ट होगा, है ना। तो वो डिले को अपन शो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो जब ये जीरो से वन पे ट्रांजिट होगा तो ये अपने पास जीरो के लिए वन पे आ चुका है, वन स्टेट पे आ चुका है। अब इसको नेक्स्ट वन के लिए नीचे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप देख सकते हैं मैंने वो टाइम यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके बाद जब ये चलेगा वन पे, ये वन पे आ चुका है, सॉरी ये अपने पास जीरो पे आ चुका है, अब ये आपको नेक्स्ट ट्रांजिशन दिखेगा वन से जीरो में, तो ये डायरेक्ट उसी इंस्टेंट पे नहीं आएगा, ये थोड़ा डिले के बाद आएगा, बिकॉज कि इन्वर्टर आपको एक प्रोपोगेशन डिले टीपीडी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये होगा अपने पास जो
प्रोपगेशन डिले वो कुछ टाइम के बाद आएगा और ये टाइम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये ऐसा कुछ फिगर बनेगा इनपुट और उसे करस्पॉन्डिंग आउटपुट का। तो इसको हम लोग शो कैसे करेंगे, ये देखो प्रोपगेशन डिले जो है आप देख रहे होंगे आउटपुट का, हम लोग जब देख रहे हैं तो ये वन से जीरो पे जा रहा है, मतलब ट्रेवल कैसे कर रहा है आउटपुट यहाँ पे, हाई लॉजिक टू लो लॉजिक, ठीक। तो हम लोग हमेशा प्रोपगेशन डिले इसके मिड पार्ट से कैलकुलेट करते हैं। ये आप देख रहे होंगे ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये गैप क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ इन्वर्टर आपको टीपीडी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है टीपी, और मैं लिखूंगा एच एल। सर ये एच एल आपने क्या लिखा है, ये वो प्रोपगेशन डिले टाइम है आउटपुट में जब आउटपुट वन से जीरो पे ट्रांजिट हो रहा है, मतलब हाई लॉजिक से लो लॉजिक में। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर टीपीएचएल, प्रोपगेशन डिले फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो लॉजिक, ओके। और जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा इसके मिड पार्ट से, या आप देख सकते हैं तो ये हो गया टीपीएलएच, यही आप लिखेंगे। ये वो प्रोपगेशन डिले टाइम है बाय द इन्वर्टर जब आप जीरो से लेके वन पे यहां पे ट्रांजिट होने वाले, किसके होने वाले हैं, जीरो से वन पे टीपीएलएच, लो टू हाई लॉजिक, ठीक। तो एक्चुअली में प्रोपगेशन डिले टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो है डेल टीपीडी, इसको हम लोग ऐसे डेल टीपीडी शो भी करते हैं ये इस तरीके से, है ना। और ये होता है टीपीएचएल प्लस टीपीएलएच डिवाइडेड बाय टू, ये दोनों का एवरेज होता है, ठीक। अब बोले सर कि क्या ये दोनों टाइम जो है वो इक्वल होते हैं क्या, तो बोलूंगा आपको ये इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूं टीपीएचएल एंड टीपीएलएच में और मे नॉट बी इक्वल, मे और मे नॉट बी इक्वल, ये इक्वल हो भी सकते हैं इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, और आप देखे भी होंगे यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया हुआ है टीपीएचएल और एलएच का, तो ये दोनों के बीच का गैप मैंने डिफरेंट बनाया हुआ है ना, क्योंकि आप लोग भी ऐसे ही बनाना है, क्योंकि दोनों इक्वल ऐसा जरूरी नहीं कि हो भी सकता है इक्वल हो या ना भी हो, ठीक है। ऐसे ही आप लोग फिगर बनाना। चलो नोट कर लिए, कमेंट कर दो आप लोग फटाफट। ठीक है, सब नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि बहुत सारे इन्वर्टर्स ले रहा हूं गेट या नॉट गेट, ये देखो तो मैंने फाइव इन्वर्टर्स यहाँ पे फाइव नॉट गेट फीडबैक में कनेक्ट करके रखे हुए हैं। अब ये फीडबैक के बारे में तो आप जिस ब्रांच के उस ब्रांच से बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, आप लोग मेरे से वैसे जानते होंगे बिल्कुल, ठीक है। फीडबैक अपने पास होता है क्लोज लूप सिस्टम ओपन लूप सिस्टम से डिवाइड होता है यहाँ पे, तो फीडबैक मतलब कि आउटपुट तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इनपुट अप्लाई करने वाला हूँ और यहाँ से आउटपुट, ठीक। तो मैंने टोटल यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितने इन्वर्टर लिए हैं सर, फाइव इन्वर्टर्स या फाइव नॉट गेट, ठीक है।
तो मैंने अप्लाई किया सबसे पहले इनपुट में जीरो, जैसे मैं जीरो अप्लाई करूंगा आप लोग भी डिफरेंट कलर यूज करना, यहाँ पे जीरो अप्लाई करूंगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा वन, फिर वन के बाद ये जीरो, फिर ये वन, फिर ये जीरो, फिर ये वन, ठीक। अब वापस वन जो है इस आउटपुट से इनपुट में डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आपके पास वही आउटपुट जो है वो इनपुट में ट्रांसफर होगा एज अ फीडबैक, तो यहाँ पे आएगा वन, ठीक। अब इस वन का क्या होगा, अपने पास जीरो, फिर ये वन, फिर ये अपने पास जीरो, फिर ये अपने पास वन, और वापस ये हो गया जीरो, ठीक। अब ये जीरो फीडबैक यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है इनपुट से, तो जीरो फिर वापस यहाँ पे क्या बनेगा, जीरो। सर जीरो के तो ऑलरेडी हम लोग रेड कलर से लिख लिए ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे आप एक बार कोई भी एक इनपुट आपने अप्लाई कर दिया तो कंटिन्यूअसली जीरो वन जीरो वन जीरो वन के फॉर्म में ये साइकिल चलता रहेगा। मतलब कि इसके आउटपुट में आपको किस टाइप का फॉर्म मिलेगा, अगर मैं आइडियल केस की बात कर रहा हूं तो देख लो कि इस टाइप का आपको वेवफॉर्म तैयार होता हुआ दिखेगा, और ये वेवफॉर्म आपको किस तरीके से दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने जीरो अप्लाई किया, आप कुछ भी अप्लाई करो, जीरो अप्लाई करो, वन अप्लाई करो, आपके ऊपर है ना। तो ये जो आउटपुट आपको मिलेगा ये है जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, ठीक। तो यहाँ आपको कौन सा फॉर्म मिल रहा है सर, ये अपने पास एक स्क्वायर वेवफॉर्म तैयार हो रहा है। क्या ये स्क्वायर वेवफॉर्म जो कि अपने पास एक सिमेट्रिक वेवफॉर्म को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंसिडर किया हुआ है कि जितने भी यहाँ पे इन्वर्टर्स लगे हुए हैं वो सबके सब इन्वर्टर्स यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी के आइडियल केस पे लगे हुए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक सिमेट्रिक स्क्वायर वेवफॉर्म तैयार होता हुआ दिखेगा, ठीक। अब याद करो आप लोग सभी लोग मल्टी वाइब्रेटर पढ़े होंगे, बताओ तो एक बार यस और नो, मल्टी वाइब्रेटर पढ़े आप लोग? चलो गेट क्लास में नहीं हुआ होगा, या आप लोग अपने सेमेस्टर से पढ़े होंगे। रिप्लाई करेंगे फास्ट, मल्टी वाइब्रेटर पढ़े हैं आप लोग? मल्टी वाइब्रेटर नाम याद है, नाम नाम सुने आप लोग, अपना नाम जानते हैं आप लोग, मल्टी वाइब्रेटर को भी जानते होंगे, सुने होंगे कहीं पे, कुछ दिखा होगा अपने इंजीनियरिंग में कहीं पे गलती से, बताओ जरा मल्टी वाइब्रेटर सुने आप लोग? सुने, बस मैं बस सुने पूछ रहा हूँ आपसे, ये नहीं पूछ रहा कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सुने होंगे सभी, ठीक। अब मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ, देखो मल्टी वाइब्रेटर तीन टाइप के होते हैं, है ना। फर्स्ट होता है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मैं इसको लिखता हूं, मैं इसको लिख लेता हूं सर। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मल्टी वाइब्रेटर कहां से आ गया, अरे देखो ना यार क्वेश्चन आता है यहां से। मल्टी वाइब्रेटर में फर्स्ट होता है अपने पास ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। दूसरा अपने पास होता है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। और थर्ड होता है अपने पास बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तीन टाइप के मल्टीवाइब्रेटर सभी लोग सुने होंगे, सभी सुने तो होंगे एटलीस्ट। जब मल्टीवाइब्रेटर की बात होती है तो ये तीन कैटेगरी में डिवाइड कैसे हुआ है, तो इसमें एक तरीका क्या होता है, ए स्टेबल। ए स्टेबल मतलब कि दो ही टाइप की चीजों की बात होती है, एक होता है स्टेबल स्टेट्स और दूसरा होता है अनस्टेबल स्टेट्स, ठीक है। अभी इसी को मैं यहाँ पे शो करने वाला हूं, ध्यान से आप लोग देखना। ये इसको मैं हटा देता हूं, इसको टॉप में लेता हूं, मल्टी वाइब्रेटर, ठीक। एक होता है अपने पास स्टेबल स्टेट्स और दूसरा होता है अनस्टेबल स्टेट। अगर अपन फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो फर्स्ट कैटेगरी में अनस्टेबल स्टेट है, मतलब जो स्टेबल स्टेट होंगे वो एक भी नहीं होंगे, है ना। अब सर कौन किस स्टेट की आप बात कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टेट में जीरो और वन की, दो स्टेट होते हैं ना, या तो जीरो होगा या तो वन होगा, है ना। तो अनस्टेबल स्टेट मतलब नाम से आपको पता चल रहा है कि कोई भी स्टेबल स्टेट यहाँ पे नहीं होगा, मतलब जीरो। और
अगर अनस्टेबल है, अनस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जीरो और वन दोनों के दोनों अनस्टेबल स्टेट में आएंगे, ये देख लो, है ना। अब सर ये अनस्टेबल क्या हो रहा है अभी आपको पता चलेगा, अभी इसको देख लो आप लोग। मोनो स्टेबल की बात कर रहे हैं, मोनो मतलब वन होता है आपके पास, है ना, तो वन, तो स्टेबल स्टेट यहाँ पे वन बनेगा, एक स्टेबल स्टेट होगा जीरो या वन दोनों में से कोई एक, और दूसरा होगा अपने पास स्टेबल स्टेट। मतलब अगर जीरो मेरे पास एक स्टेबल स्टेट बन रहा है तो वन जो होगा वो अनस्टेबल बनेगा, या अगर वन स्टेबल है तो जीरो अनस्टेबल बनेगा। कोई भी एक स्टेट अनस्टेबल होगा और दूसरा स्टेबल होगा, ठीक। बाई स्टेबल से आपको पता चल रहा है, बाई मतलब दो, है ना, तो यहाँ पे दोनों के दोनों मतलब जीरो और वन दोनों बाई स्टेबल के अंदर आएंगे, मतलब दोनों के दोनों स्टेबल होंगे और कोई भी इसमें अनस्टेबल नहीं होगा, ठीक। अब बोले सर कि अनस्टेबल और स्टेबल होता क्या है, देखो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं अनस्टेबल और स्टेबल होता क्या है। आपने यहां पे एक बार इनपुट अप्लाई किया, है ना, आप यहां पे गए, आपने जीरो या वन अप्लाई कर दिया, जैसे आप कुछ भी अप्लाई किए तो आउटपुट आपको मिल जाएगा कुछ देर बाद, जो आउटपुट आपको मिलेगा वो या तो वन होगा या तो जीरो होगा, मतलब इस टाइप के वेवफॉर्म यहाँ पे बनेंगे, स्क्वायर वेवफॉर्म, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक। तो जब स्क्वायर वेवफॉर्म बनेंगे तो इतना सारा वेवफॉर्म ये कहां तक बनेगा, इन्फिनिटी तक बनेगा, जब तक ये सर्किट जिंदा है तब तक ये वेवफॉर्म बनते रहेंगे, ऐसे मैं कह सकता हूं। यहाँ पे जीरो वन आपको मिलते रहेगा। आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक बार यहाँ पे इनपुट अप्लाई किया और आपको कंटिन्यूअसली स्टेट मिल रहे हैं। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि जब आपको यहाँ पे आउटपुट में स्टेट्स मिल रहे हैं जीरो और वन, तो क्या इसमें कोई भी स्टेट स्टेबल हो रहा है क्या? पहले जीरो मिला, है ना, या पहले वन मिला, उसके बाद जीरो हो गया, फिर वन हो गया, फिर जीरो हो गया, वन हो गया, एक सर्टेन टाइम के बाद जीरो वन में जा रहा है, वन जीरो में जा रहा है, तो आपको इस सर्किट को छूने की जरूरत ही नहीं हो रही, ऑटोमेटिक आपको वहां पे स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट होते हुए दिख रहे हैं, है ना। तो स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट हो रहे हैं और जीरो और वन कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं है, कोई भी स्टेट अपने पास स्टेबल नहीं है। तो इस टाइप के जो मल्टी वाइब्रेटर है उसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं सर? कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं है, मतलब जीरो, ना तो जीरो स्टेबल है ना तो वन स्टेट स्टेबल है, इसका मतलब दोनों के दोनों अनस्टेबल स्टेट हो गए। और इस टाइप का ये जो फिगर बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इसको, मैं कैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ, बस वो आपको बताना है, बाकी तो आप ये पूरा पार्ट को आप पढ़ोगे अपने एनालॉग, है ना, ठीक। तो ये हो गया अपने पास अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, और इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये एक फ्रीली वेवफॉर्म जनरेट हो रहा है, और कौन सा वेवफॉर्म जनरेट हो रहा है? स्क्वायर वेवफॉर्म। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेटर। इसका मतलब ये सर कि जितने भी अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की बात होती है वो एक्चुअली में स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेटर होता है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्री रनिंग, इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्री रनिंग ऑसिलेटर। ऑसिलेटर आपने क्या मिलते हैं, या तो साइन वेव मिलता है, या ट्रायंगुलर वेवफॉर्म मिलते हैं, या तो स्क्वायर वेवफॉर्म मिलता है, कंटिन्यूअसली आपको वेवफॉर्म सिग्नल्स प्रोवाइड होते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके नाम है, इसको आप लोग नोट कर लो। तो ये बात हुई अपने पास ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की, है ना। अब जब मैं यहाँ पे थोड़ा सर्किट को चेंज कर रहा हूं, सर्किट को मैंने चेंज किया, ध्यान से आप लोग देखते रहना यहाँ पे, अभी सर्किट को मैंने चेंज किया और मैंने बोला अब मैं यहाँ पे चार इन्वर्टर कनेक्ट करने वाला हूं, चार इन्वर्टर फीडबैक में। तो ये हो गया आउटपुट और ये हो गया अपने पास इनपुट, एन इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पे फोर नॉट गेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वन अप्लाई करने वाला हूं, ये मैंने वन अप्लाई किया, क्या चलो एक काम करते हैं जीरो लेते हैं, जीरो अच्छा लग रहा है, जीरो से वन आया, वन से जीरो, फिर वन, फिर ये जीरो। सर ये वापस जीरो जो है फीडबैक नेटवर्क से कनेक्टेड है आउटपुट इनपुट, और आपको फिर से नेक्स्ट टाइम जीरो ही मिलेगा। इसका मतलब कि आपने अगर ठीक एग्जैक्टली आपने अगर इनपुट में जीरो अप्लाई किया तो आपको आउटपुट जीरो मिलेगा, ये कंफर्म है। तो ये इनपुट
ये आउटपुट हो गया पूरा, ये सभी यहाँ पे जीरो जीरो जीरो। सर ये जीरो कब तक मिलेगा? जब तक ये सर्किट जिंदा है। कब तक? जब तक आपने यहाँ पे नेक्स्ट इनपुट जीरो के अलावा वन अप्लाई नहीं किया। अगर आप यहाँ पे वन अप्लाई करोगे तो आपको आउटपुट में भी वन मिलेगा। समझ में आ रही बात? मतलब पूरा जो स्टेट होगा वो आपको कैसा दिखेगा? ये इस टाइप से, ये वन 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 हर एक जगह पे आपको वन दिखेगा। कब तक? सर जब तक आप इस इनपुट को चेंज नहीं करोगे, क्योंकि जो आप इनपुट दे रहे हो वही आपको आउटपुट मिल रहा है। आपने जीरो दिया, आपको जीरो आउटपुट मिला, वन दिया आपने, वन आपको मिला। तो आप देख सकते हो कि आप जितना स्टेट आप अप्लाई करोगे तो जीरो अप्लाई करने से आपको हमेशा के लिए जीरो मिल रहा है। तो सर मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जैसे आपने जीरो अप्लाई किया आपको जीरो मिल रहा है, तो जीरो जो है वो स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट हो गया, है ना? मतलब कि एक जो होगा वो स्टेबल होगा। अब ये स्टेबल कब तक होगा सर? जब तक अपन यहाँ पे कुछ न्यू इनपुट स्टेट अप्लाई नहीं कर देते। जैसे आपने वन अप्लाई किया तो वन हमेशा के लिए वन हो जाएगा। कब तक? जब तक आप इस इनपुट को चेंज नहीं करोगे। मतलब जीरो या फिर वन वो स्टेबल स्टेट बन गया कोई एक, ठीक। और इस टाइप के मल्टी वाइब्रेटर को हम लोग बोलते हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक। अब यहां से मैं दोनों फिगर को अगर मैं कंपेयर करता हूं, ये दोनों फिगर को अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि सर n इक्वल टू 5 है, तो आपने एक्चुअली में क्या किया है, आपने ऑड नंबर्स में इन्वर्टर्स को कनेक्ट किया हुआ था, और यहां पे आपने इवन नंबर्स में इन्वर्टर को कनेक्ट किया हुआ था, ठीक। तो ऑड नंबर्स की जब बात होती है तो ये होगा अनस्टेबल मल्टी ऑपरेटर, और मोनोस्टेबल की बात होगी तो ये होगा इवन नंबर्स में नॉट गेट यहां पे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक। अब बचा अपने पास है बाईस्टेबल, तो बाईस्टेबल की बात जब होगी तो यहां पे बाईस्टेबल में क्या होगा कि आपने एक इनपुट अप्लाई किया तो वही आप करा, उसको आप फिर से ट्रिगर करोगे, ट्रिगर करने से आपको पहुंचेगा दूसरे स्टेट में, तो ये चलता रहेगा। जहां पे दोनों के दोनों स्टेट जो होंगे वो स्टेबल होंगे, बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसको हम लोग डिजिटल से कनेक्ट नहीं करने वाले, ये दोनों चीजों की बात करनी थी मुझे, इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। सभी इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसका एक और भी नाम आप लिख सकते हैं, रिंग ऑसिलेटर। इसका एक और भी नाम आप लिख सकते हैं, रिंग ऑसिलेटर। ये सब लिख लो आप। चलो बताओ समझ में आया क्या मल्टी वाइब्रेटर क्या होते हैं? ठीक है, सभी क्लियर हो गया मल्टी ऑपरेटर। अब आई थिंक मेरे को लगता है ये जो मैंने कनेक्ट किया हुआ है इससे आप तो भी भूलोगे नहीं, आपको नाम के साथ उसका काम भी याद रहेगा। एक्चुअली में मल्टी ऑपरेटर होता क्या है, एस्टेबल मोनोस्टेबल और बाईस्टेबल, ठीक। आप लोग के सिलेबस में 555 टाइमर जो है वो रिमूव हो गया है, आप लोग जानते हैं एनालॉग एक पार्ट होता है 555 टाइमर, उसमें इन तीनों का एप्लीकेशन देखते हैं, कौन कौन सा, एस्टेबल मल्टी ऑपरेटर का और मोनोस्टेबल मल्टी ऑपरेटर का, ये दोनों का एप ये कैसे बनाते हैं एप्लीकेशन देखते हैं अपन 555 टाइमर से, है ना। ये आप लोग पढ़े भी होगे अपने अपने कॉलेज में, नहीं पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो भी अच्छी बात है, और वो सिलेबस से हट भी चुके अपने गेट के सिलेबस से। मेंशन नहीं, इस बार गेट का सिलेबस चेंज हुआ है ना इस बार का, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि सर ये जो वेवफॉर्म बन रहा है एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 चलता जा रहा है। सर मैं इसको ये बोल सकता हूं क्या कि ये अपने पास एक कंटिन्यूअस वेवफॉर्म है, और अगर ये कंटिन्यूअस वेवफॉर्म है तो इसका मतलब कंफर्म है कि इसका मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूं। क्या टाइम पीरियड निकाल सकता हूं? तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है अपने पास 2n del tpd। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो, यहां से क्वेश्चन बनता रहता है, ये करेंगे हम लोग अभी क्वेश्चन। टाइम पीरियड होता है 2n del tpd। सर ये n क्या? अपने पास नंबर ऑफ इन्वर्टर्स, या फिर हम इसको बोलेंगे नॉट गेट्स,
ठीक सर, ये डेल टीपीडी क्या है? सो डेल टीपीडी अपने पास है प्रोपोगेशन डिले बाय एच इन्वर्टर, प्रोपोगेशन डिले बाय एच इन्वर्टर, इसको आप लिख लो। अगर अपने पास कोई भी वेवफॉर्म का टाइम पीरियड डिसाइड हो सकता है तो सर उसकी फ्रीक्वेंसी भी तो बन सकती है ना, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन क्या होता है? एफ इज इक्वल टू वन बाय टाइम, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेशियो ऑफ ये वन बाय टाइम, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला अपने पास होगा फ्रीक्वेंसी के लिए वन अपॉन टू एंड डेल टी पी डी। ये देखो बढ़िया सा लिख दिया है मैंने, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए तब आपको यूज करना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर टाइम पीरियड निकलता है सिर्फ कंटिन्यूअस वेवफॉर्म का। ये कंटिन्यूअस वेवफॉर्म था 0101 के फॉर्म में, एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद चेंज हो रहा था, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसी टाइम पीरियड से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाले। लेकिन जब मैं इस मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की बात करता हूं तो यार यहाँ पे 0 से 1 और 1 से 0 ट्रांजिशन तभी हो रहा है जब अपना मन कर रहा है कि मैं इस इनपुट को चेंज करूं। समझ में आ रही ना बात? मैं इस इनपुट को जब मेरा मन कर रहा है मैं तब चेंज कर रहा हूं, जब इसको मैं चेंज करूंगा तभी तो वेवफॉर्म जो ट्रांजिशन करेगा 0 से 1 पे या 1 से 0 पे। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस वेवफॉर्म आपको नहीं देगा। अब अगर ये कंटिन्यूअस वेवफॉर्म आपको नहीं देगा, दैट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे टाइम पीरियड डिसाइड नहीं होगा। समझ में आ गई बात पूरी? चलो एक क्वेश्चन लिखा जाए। फॉर द रिंग ऑसिलेटर, ये क्वेश्चन आया था अपने गेट एग्जाम। फॉर द रिंग ऑसिलेटर शोन बिलो, ये अभी क्वेश्चन में आप देखेंगे रिंग ऑसिलेटर, ये वर्ड आपके सामने मेंशन है इस क्वेश्चन में। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में मेंशन हो, आपको फिगर से देख के पहचानने आना चाहिए कि सर ये किस टाइप का फिगर बना हुआ है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन था, फाइव लगे हुए यहाँ पे, फाइव टोटल। और क्वेश्चन में लिखा है कि द प्रोपोगेशन, द प्रोपोगेशन डिले of each inverter is 100 picosecond. What is the fundamental frequency of oscillator output? ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो रिंग ऑसिलेटर गिवन है आपको, पहले आप ये चेक करो कि अगर ये चलो वर्ड गिवन नहीं होता तो भी अपने को पहचानने आना चाहिए।
कि सर n इक्वल टू 5 यहाँ पे इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, तो कंफर्म है कि फीडबैक में लगा इसका, इसका मतलब क्या होगा सर, है ना, फीडबैक में लगेगा तभी ऑसिलेटर बनेगा, है ना, ऐसा ही नहीं कि सर पांचों फीडबैक में लगाए नहीं, ऐसे कनेक्ट कर दी कास्केट में और बोले सर ये रिंग ऑसिलेटर है, नहीं, फीडबैक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तभी तो इसका आउटपुट इनपुट में प्रोवाइड होगा ना वापस से, ठीक, पूरे साइकल्स बनेंगे यहाँ पे। तो n इक्वल टू 5 इन्वर्टर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि रिंग ऑसिलेटर तो बनना ही है। उसके बाद आपको प्रोपोगेशन टाइम डिले ऑफ इच इन्वर्टर है, इच इन्वर्टर 100 पिको सेकंड, ये भी आपको क्या है सर, चलो टाइम पीरियड निकालते हैं 2n डेल टीपीडी, ठीक, ये तो ये हो जाएगा 2 × 5 × सर 100, सर पिको क्या होता है 10^-12, तो टाइम पीरियड कितना आ रहा है, ये 3 हो गया अपने पास, तो 10^-9 सेकेंड्स, मतलब 1 नैनो सेकेंड यहाँ पे आ गया, ठीक, 1 नैनो सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/ टाइम पीरियड, मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया 1/(1×10^9, दैट मीन्स 1 GHz, ये आंसर 1 GHz, ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया 1 GHz, ओके। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, सभी लोग नोट कर ले होंगे, सॉल्यूशन भी यहाँ पे सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया, मैंने इसमें एक देखो रेड कलर से लिख रहा हूं ये, अब मैं इसको बोल रहा हूं कि ये आउटपुट सभी को दिख रहा है, वो कॉर्नर मैंने वहां पे देखो ऐड किया हुआ है, एक फिगर में एक और इन्वर्टर ऐड किया हुआ है फीडबैक के बाहर। अब मुझे बताओ कि जो मैंने रेड कलर में आउटपुट लिखा है उसका टाइम पीरियड क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चलो बताओ, दीपक नॉट डिसाइडेड, ठीक है, बाकी लोग क्या बोलते हैं, मैं एक इन्वर्टर वहां पे आउटपुट के आगे एक और इन्वर्टर कनेक्ट कर दिया नॉट गेट को, तब फाइनल आउटपुट का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बोलो ना, सोचो ना यार, रिप्लाई करो ना यार, रिप्लाई करो, मजा नहीं यार ऐसे, रिप्लाई करो फास्ट बोलो सर नहीं बनेगा, नॉट डिसाइड, मोनोस्टेबल है सर, अच्छा और बताओ और क्या सोचते हैं आप लोग इस बारे में, जो भी आपकी फीलिंग है क्या सोचते हैं आप लोग, ये जो भी सोच रहे हैं, अगर कुछ नहीं सोच रहे हैं ना तो भी बोल दो सर कुछ नहीं सोच रहे, सर मन नहीं कर रहा सोचने का, पता नहीं क्या हो गया आज, यही बोल दो, नॉट डिसाइडेड, मोनोस्टेबल है सर, नॉट डिफाइंड, अच्छा ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, बहुत हो गया, देखो वो लगा हुआ है, तो मैंने आपको बोला कि जैसे एक ने आंसर किया सर ये मोनोस्टेबल हो, अभी ये भी क्या है, ये अभी अपने पास ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, तो n इक्वल टू 6 हो गया इन्वर्टर, तो ये बन गया अपने पास मोनोस्टेबल, ठीक, तो ये लोग सोच रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफाइंड नहीं होगी, ऐसे ही कहा आपने, बिल्कुल गलत है आप लोग, क्यों सर, सर गलत बात है ना, क्यों, देखो देखो यहां पे जैसे हम लोग यहां पे ये फॉर्म करते हैं, ठीक है, चलो हम लोग आते हैं जो सब्जेक्ट का नाम है सिग्नल एंड सिस्टम, जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, इसे आप कभी भूलोगे नहीं, वहां पर आप जो गलती की हो, तो ये मेरे पास कौन सा फंक्शन हुआ सर, साइन टी का, मतलब 0 से लेके π, ये 2π 3π ऐसा कुछ हम लोग लिखते हैं ये, ठीक, अगर मैं आपसे बोलो कि सर ये कौन सा फंक्शन है, तो बोलोगे सर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा 2π, यही बोलोगे ना, क्योंकि ये जो पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे ये एंड हो रहा है, और वापस से एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद
ये खुद को रिपीट कर रहे हैं और उसी सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या बनेगा सर, जीरो से लेके टू पाई तक, ये देखो ये टाइम पीरियड, ये वापस खुद को रिपीट करते जा रहे हैं कंटिन्यू, है ना। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बोला, देखो यहाँ पे बोला कि सर एक इन्वर्टर आया वहां पे, ठीक है, तो आपने बोले सर ये तो सिक्स हो गया ना, ओके। अच्छा आप, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, अगर आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे वन अप्लाई किया, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो, ये वन, फिर ये जीरो, ये वन, फिर ये जीरो, ऐसे ही होगा। जीरो के बाद फाइनल आउटपुट क्या होगा, वन होगा, ओके, समझते ना आप लोग। अब मैंने जीरो अप्लाई किया, नहीं अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है सर, ये अपने पास ए स्टेबल है ना, क्योंकि जीरो तो ऑटोमेटिक फीडबैक से आ ही जाएगा, तो ये जीरो से ये बन गया वन, फिर ये जीरो, फिर ये वन, फिर ये जीरो, फिर ये वन, और लास्ट में ये अपने पास ये वन से वापस जीरो हो गया, ये आप देख सकते हैं, ठीक। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो क्या कि जो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो आपको वही मिल रहा है, यही हो रहा है ना, और आपस में जीरो वन जो है एक सर्टेन टाइम के बाद यहाँ पे चेंज होते जा रहे हैं, तो ये अभी भी ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये मोनो स्टेबल नहीं बना है। मोनो स्टेबल की जब बात होगी तो वो फीडबैक में इवन नंबर्स में कनेक्टेड होंगे, यहाँ पे फीडबैक में कौन कनेक्टेड है सर, ऑड नंबर्स में इन्वर्टर कनेक्टेड है, तो वो जो लिखा है फीडबैक के बाहर है वो, तो फीडबैक में इवन नंबर्स ऑड नंबर्स को देखने हैं, जो इन्वर्टर लगा हुआ है बाद में वो तो खाली अपने पास उस वन को जीरो कर रहा है और जीरो को वन कर रहा है, लेकिन वहां पे स्टेट्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑड नंबर्स में आपने फीडबैक में इन्वर्टर को कनेक्ट किया हुआ है। पूरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई अभी भी ये ए स्टेबल ही बना हुआ है, और ए स्टेबल बना है तो इसका मतलब है सर कि यहाँ पे टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो सर वो उसका मतलब क्या है सर, उसका सिग्निफिकेंस क्या है सिक्स नंबर इन्वर्टर का, ध्यान सुनना आप लोग। सर इन्वर्टर आपको प्रोपोगेशन डिले दे रहा है, कितना प्रोपोगेशन डिले सर, 100 पिको सेकेंड। सर प्रोपोगेशन डिले का मतलब कि अपन किसी भी टाइम ऑफ इंस्टेंट पे कुछ अप्लाई करते हैं तो वो सेम इंस्टेंट पे अपने को आउटपुट पे नहीं मिलता है, है ना, कुछ एक डिले के बाद मिलता है, और उसी डिले का नाम होता है प्रोपोगेशन डिले ऑफ इच डिवाइस, जो भी आप डिवाइस या जो भी आप कुछ भी यूज कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे इन्वर्टर यूज किया मैंने, तो इन्वर्टर से वो 100 पिको सेकंड का आपको डिले बस प्रोवाइड करेगा, है ना। अब सेम चीज अगर मैं सिग्नल सिस्टम वाले सब्जेक्ट में आता हूं, तो अगर मैंने साइन को टी को मैंने शिफ्ट किया पाई से, ये शिफ्ट कैसे होगा सर, ये होगा राइट साइड में, तो शिफ्ट होगा तो कैसे दिखेगा, ये देखो ये ऐसा दिखेगा, ये हो जाएगा पाई, जो जीरो से स्टार्ट होता है वो पाई से स्टार्ट होगा, ये 3π, ये अपने पास 4π और ये टाइम। तो सर लेकिन यहाँ पे जो जो सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड है अभी भी तो वही है ना, क्या है सर 3π - π, हाउ मच सर 2π, टाइम पीरियड तो अभी भी वैसे ही बना हुआ ना, चाहे आप उस सिग्नल को कंटिन्यूस सिग्नल को आप कितना भी शिफ्ट कर लो, ले जाओ उसको 100 5 कहीं भी ले जाओ, वो सिग्नल जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, बस वो शिफ्टेड फॉर्म पे रहेगा या डिलेड फॉर्म पे रहेगा, और ये वही इन्वर्टर है जो इस इन्वर्टर, ये वही इन्वर्टर है जो इस वेवफॉर्म को डिले प्रोवाइड कर रहा है, कितना सर 100 पिको सेकंड का। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि आप कोई भी सिग्नल को आप जितना भी डिले प्रोवाइड करो, चाहे उसको राइट साइड शिफ्ट करो चाहे वो लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, आप टाइम पीरियड तो वैसे का वैसे ही रहेगा। इसका मतलब कि इसका भी टाइम पीरियड रहने वाला है सर 1 नैनो सेकंड, और इसका टाइम पीरियड होने वाला है 1 GHz। चलो यार बताओ फीलिंग आई क्या, फीलिंग आई क्या बताओ, यहाँ पे डिजिटल से एनालॉग से सिग्नल से बताओ फीलिंग आई क्या अपने को, चलो बताओ ना यार, कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग सारी चीजों को, ठीक, ये हुई ना बात। तो ये सिनारियो बट रहा है इसमें सर ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, हमेशा ध्यान रखना कि ए स्टेबल से मोनोस्टेबल तभी बनेगा जब फीडबैक में 4 इन्वर्टर होंगे, 5 इन्वर्टर इस टाइप के, मतलब इवन नंबर्स में ऑड नंबर्स में, अदरवाइज आप उसके आगे फीडबैक के आगे कितना भी इन्वर्टर लगा लो वो टाइम पीरियड कभी चेंज नहीं करेगा, टाइम पीरियड वैसा का वैसे ही रहेगा, लेकिन सिग्नल एक तो डिले के बाद मिलेगा और वो डिले अपने पास इस क्वेश्चन के लिए है 100 पिको सेकंड, ठीक।
चलो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं अभी, एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए अपने पास लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, गेट का आया हुआ क्वेश्चन है ये। S1 S2 बार ऑप्शन बी S1 प्लस S2 ऑप्शन सी S1 XOR विद S2 और ऑप्शन डी X1 X2 XOR। अभी XOR की बात हो रही है, XOR गेट मैंने बताया नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, क्वेश्चन करेंगे। और नहीं है नॉलेज तो कल आपको नॉलेज हो जाएगा इसका, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो होता ही है, अपने को पता होता है ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, नैंड गेट का, एक्सओआर गेट का, ये सब। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए आप लोग, क्वेश्चन लिख लिए। ये स्विच है S1 और ये S2, ABC ये लिखा हुआ है, और क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ऑन पोजीशन में है ना, स्विचेस की यहाँ पे बात करनी है, स्विच यहाँ पे ओपन क्लोज हो रहा है, ये मतलब S1 S2 और बल्ब को यहाँ पे लाइटनिंग करनी, मतलब बल्ब यहाँ पे ग्लो करना चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन है। तो S1 S2 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, दो स्विचेस है। अब स्विच देखो, ये बल्ब ग्लो कब करेगा, ये क्या अपने पास सारी बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी से यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा उसमें करंट जो है वो पाथ को फॉलो करेगा, और पाथ फॉलो तभी होगा जब वो पाथ क्लोज्ड सर्किट के फॉर्म में होगा। नेटवर्क में हम लोग यही पढ़ते हैं ना कि सर्किट में नेटवर्क करंट कब फ्लो होता है,
जब वो क्लोज पाथ को डिसाइड करता है ना, तो यहाँ पे स्विच S1 और S2 पे डिपेंडेंट है इस बल्ब का ग्लो होना, है ना। और दो स्विच की बात हो रही है, कंफर्म है कि यहाँ पे चारों जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, इसकी हम लोग बात करेंगे। जो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सर जब ये ऑन पोजीशन होता है स्विच का तो लॉजिक वन, मतलब कि एक पॉजिटिव लॉजिक लेवल की बात हो रही है ना, और ऑफ पोजीशन मतलब लॉजिक जीरो। ठीक, सबको समझ में आ रहा है। तो ए जो है जब स्विच ऑन है, मतलब ए इज कनेक्टेड टू बी, सर ए जो है वो बी से कनेक्टेड है। ये देखो, ये मैंने कनेक्ट किया ए टू बी, और इस वाले पॉइंट पे भी ए को बी से कनेक्ट कर दो, तो आप देखोगे जब यहां से करंट फ्लो होगा तो ये ए से बी और ये बी से ए जाएगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। समझ में आ रही बात? ठीक, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे सर आप यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि दोनों स्विच यहाँ पे ऑन होने चाहिए। देखो ना, कनेक्टेड है आपस में यहाँ पे। ठीक, अगर ये दोनों स्विच ऑन है, दोनों स्विच ऑन होने का मतलब क्या है सर? लॉजिक वन लेवल। तो लॉजिक वन दोनों का लेवल है तो बल्ब यहाँ पे ऑन हो रहा है। सर ऑन होने का मतलब इसको आप क्या लिखेंगे? लॉजिक वन। ठीक, जब मेरे पास ऑफ पोजीशन है, दोनों का ऑफ पोजीशन है स्विचेस का, तो ए जो है वो सी से कनेक्ट हो रहा है और इस जगह पे भी स्विच सी से कनेक्ट हो रहा है, ऐसा ही है ना अपने पास क्वेश्चन। तो आप देखोगे सर जब यहाँ पे बैटरी से करंट फ्लो होगा तो ये ए से सी जाएगा और सी से ए जाएगा, मतलब एक कंप्लीट पाथ, क्लोज पाथ फॉर्म हो रहा है। अगेन बल्ब यहाँ पे ग्लो करेगा। कब सर? कब यहाँ पे? जब ए से सी पे कनेक्टेड है, और जब स्विच ए से सी पे कनेक्टेड है तो वो कौन सा पोजीशन हो गया? ऑफ पोजीशन। दोनों स्विच का ऑफ पोजीशन मतलब लॉजिक जीरो, मतलब दोनों स्विच यहाँ पे जीरो पे है, मतलब ये बल्ब भी ग्लो करेगा, मतलब ये हो गया वन पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जीरो वन वन जीरो ये लिखा हुआ है। सर ये जीरो एस वन के लॉजिक लो को शो कर रहा है, मतलब ऑफ पोजीशन, है ना, समझना आप लोग। ये जीरो शो कर रहा है एस वन के ऑफ पोजिशन। ऑफ मतलब कि ए से सी कनेक्टेड है, दैट इज ओके। लेकिन मैं इस वाले कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो S2 जो है वो 1 पे। सर S2 का मतलब 1 होने का मतलब है कि सर ये 1 लॉजिक कब है? A से B पे कनेक्टेड है, मतलब कि मैं इसको A से B पे कनेक्ट किया। अब मुझे आप लोग यार जल्दी से बताओ सर, ये पाथ जो है क्लोज हो रहा है क्या अपने पास? ये पाथ क्लोज हो रहा है, बताओ तो, पाथ क्लोज हो रहा है अपने पास ये? यस और नो? नो। ठीक, इसका मतलब सर करंट फ्लो नहीं होगा। बैटरी से तो करंट निकलेगा लेकिन वो करंट फ्लो नहीं होगा ना, और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दैट मींस मैं बोलूंगा ये हो जाएगा ऑफ, ये हो जाएगा जीरो। और सेम सिनारियो, जस्ट अपोजिट केस बनेगा जब ये ए से बी पे जाएगा इस वन के लिए, और एस टू जो है जीरो के लिए ए से सी पे जाएगा, तो भी ये क्लोज पाथ नहीं बन रहा है। दैट मींस ये हो गया ऑफ, और इसी का नाम है जीरो लॉजिक। इसका मतलब सर S1, S2 और ये जो बल्ब है इसका जो लॉजिक बन रहा है 0001 1011, इसका मतलब ये हो गया 1001। ये इस टाइप का अपने पास ट्रूथ टेबल तैयार होगा। और ये ट्रूथ टेबल अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं यार, ये ट्रूथ टेबल एक्चुअली में लिखा हुआ है S1 XOR with S2, ये लिखा हुआ है एक एक्स नॉर गेट के लिए। किसके लिए लिखा हुआ है? एक्स नॉर गेट। मैं बताऊंगा कल आप लोग को, फिर मैंने चलो क्वेश्चन ले लिया। एस वन एक्स और एक्स टू, ये इसके इक्वल होता है। एक्स नॉर गेट जो होता है उसका जब अपन एक्स और का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो एक्स और इक्वल होता है। ये सब मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए वरी मत होना, है ना। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सर सी ऑप्शन। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, ये क्लास में होना चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, अब अपने फ्रेंड्स लोग जितने कोई बोलो कि क्लास अटेंड करें। आप मिड सेम का एग्जाम रात जग के भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्लास छोड़ दोगे तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, क्लास जो चल रही है जिस तरीके से चल रही है अटेंड करना चाहिए आपको। ठीक है, चलो समझ में आ गया क्वेश्चन, ये मजा आया, उतना खास क्वेश्चन में नहीं था लेकिन ठीक है। तो कल इसको आप नोट कर लो, कल की जो टाइमिंग रहेगी वो सेम रहेगी 5 to 7, डेली अपने को ऐसे ही करना है ना। फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में।
बाय क्लास, थैंक यू। और कल हम लोग पूरे नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सओआर गेट, एक्सनॉर गेट तक पूरा डिटेल करने वाले हैं, मस्त फॉर्म में करेंगे, ठीक।